Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. Today our lecture number 2 of chapter 2 solution. Today our topic is types of solution according to phase. For solutions, there is requirement of two things, solute and solvent. किसी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली किसी भी सॉल्यूशन में ले लेते हैं, होमोजेनियस में, जिसमें सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो हमारे होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन फेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का फेज कम्प्लीटली डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। जो सॉल्वेंट का फेज होगा ना, वही वो सॉल्यूशन का फेज कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, और अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें इन्वॉल्वमेंट ओनली वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट का होता है, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्लियर होगा। अब देखते हैं, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन को हम लोग 9 काइंड ऑफ सॉल्यूशन में डिवाइड करते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं ना कि CBSE में इसका एग्जांपल पूछता है। एग्जांपल मतलब ये क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा ना, उसमें आपका सॉल्यूट दे देगा, सॉल्वेंट दे देगा और बोलेगा कि गिव अ एग्जांपल, ओके, या सिंपली एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या है सॉल्यूट और क्या है सॉल्वेंट, ठीक है। चलते हैं, देयर आर 9 काइंड ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हर टाइप्स को कैटेगरी बनाएंगे, समझ गए, मतलब सिंपली एक लाइन देंगे। जैसे मैं अभी दे रही हूँ, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूट, सेकंड में क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट, थर्ड में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, एंड फोर्थ में क्या लिखेंगे, एग्जांपल, लाइक दिस, ओके। देखो, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड एग्जांपल, ठीक है। पहला सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड एग्जांपल। अब देखते हैं कि इसमें क्या है हमारा, कैसे हम करते हैं इसको कैटेगराइज। सबसे फर्स्ट में लिखेंगे सॉल्यूट में सॉलिड, और हर जगह ना 3 सॉल्वेंट को कॉमन रखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा है ना, फर्स्ट सॉल्यूट, दैट इज सॉल्यूट, सॉलिड, और सॉल्वेंट में क्या लिखे हैं, लिक्विड। और उसके बाद देखते हैं इसका एग्जांपल, क्या बताएं कि जो फेज होते हैं ना सॉल्यूशन को, कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट पे। मतलब सॉल्वेंट में जो फेज लिखे हैं ना स्टूडेंट्स, उसको कॉपी कर देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलो देखते हैं, सॉल्यूट में क्या है, सॉलिड, सॉल्वेंट में क्या है, सॉलिड। यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड लिए हुए हैं, ठीक है। पहला हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। अब जाहिर है सॉल्यूशन, चूंकि यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड था, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉलिड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, ब्रास। ब्रास इज अ कॉम्बो ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो हमारा है वो क्या है, कॉम्बो है किसका, कॉपर और जिंक का, ठीक है, क्लियर है, अलवा है ना। सेकेंड देखते हैं, अगेन हमारा जो सॉल्यूट है, अब इसमें सॉल्यूट का हम फेज चेंज कर रहे हैं, सॉल्वेंट का एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूट का जो फेज है, दैट इज लिक्विड, मतलब लेस अमाउंट में लिक्विड है, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो अगेन सॉलिड, तो जाहिर है हमारा सॉल्यूशन का जो फेज होगा वो भी क्या होगा, सॉलिड होगा। अब इसका एग्जांपल क्या लेंगे, मतलब बहुत लेस अमाउंट में क्या हो, लिक्विड हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूट को क्या लिया था, लिक्विड। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एमलगम। एमलगम किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, मरकरी। मरकरी एक ऐसा हमारा एक्सेप्शनल मेटल है जो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। तो अगर जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, तो इसका एग्जांपल क्या हम लोगों ने लिया है, एमलगम। एमलगम इज़ द कॉम्बो ऑफ मरकरी एंड कॉपर। ये किस चीज़ का है कॉम्बो, एमलगम, मरकरी एंड कॉपर। इसमें मरकरी बहुत लेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है, दो हो गया। अब चलते हैं थर्ड,
एक जगह सॉल्यूट हम लोगों ने सॉलिड लिया था, दूसरी जगह लिक्विड लिया है और तीसरी जगह गैस ले लेते हैं, ठीक है ना। तीसरी जगह क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। तो सॉलिड में क्या रखेंगे, गैस। अगेन सॉल्वेंट इज कॉमन, दैट इज सॉलिड, ठीक है ना। तो फिर हमारा सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, सॉलिड, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा है चीज़ है जो गैस बहुत लेस अमाउंट में क्या रहे, सॉलिड पे प्रेजेंट रहे। तो क्या बोलेंगे पता है, एडजॉप्शन, एडजॉप्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलीडियम, समझ गए, एडजॉप्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलीडियम। दिस इज द थ्री कैटेगरी जहाँ पे हम लोगों का हर जगह सॉल्वेंट क्या था, सॉलिड, और सॉल्यूट का हम लोगों ने फेज क्या किया था, चेंज किया, ठीक है। अब फोर्थ, जो हमारा फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप में फिर हम लोग सॉल्वेंट को का नेचर कॉमन रखेंगे। एक जगह तो हम लोग ने सॉलिड को यूटिलाइज कर लिया, तो दूसरी जगह या तो हम गैस करेंगे या तो लिक्विड करेंगे, ठीक है ना, और हर जगह सॉल्यूट का फेज को चेंज करेंगे। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो कॉमन है वो क्या है, लिक्विड है। हमारा सॉल्यूट फर्स्ट केस में क्या है, सॉलिड, मतलब सॉलिड बहुत कम अमाउंट में है, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है। और जाहिर है यहाँ पे अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन का जो फेज होगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। ये सिंपल क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर, कॉम्बो ऑफ शुगर एंड वाटर, सिकंजी, ठीक है। और सेकेंड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट भी यहाँ लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, इथेनॉल, सिंपल, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। थर्ड, गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड मतलब गैस बहुत लेस अमाउंट में है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसको क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल क्या देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका एग्जांपल क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक्स। अब कितने हो गए हमारे कितने टाइप्स कंप्लीट हो गए, सिक्स टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा लास्ट सॉल्वेंट बचा, दैट इज गैस। हमारा सबसे लास्ट सॉल्वेंट जो बचा वो क्या बचा है, गैस। अब चलो फिर देखते हैं सॉल्यूट में यहाँ पे क्या लेंगे, सॉलिड और डिजॉल्व किस में, मतलब सॉल्वेंट क्या है, गैस में, समझ गए। तो यहाँ पे सिंपली देखो क्या लेंगे, कैम्फर, कैम्फर है ना घर में जो पूजा में कपूर जलाते हैं, ठीक है, थीके? तो कैम्फर और जो यहाँ पे एयर कैम्फर किसके साथ जलता है, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना, कैम्फर विथ नाइट्रोजन, ठीक है, कैम्फर विथ नाइट्रोजन। तो सिंपली ये होगा हमारा किसमें, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड इन गैस। सिंपल, जो ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी, अभी बारिश का मौसम है ना, तब ह्यूमिडिटी में मार्क करना है स्टूडेंट, हमारा जो गैस है उसमें थोड़ा चिपचिपापन लगता है, दैट इज़ द लिक्विड वाटर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वाटर। एंड लास्ट इज गैस इन गैस, कंप्लीटली क्या बोल सकते हैं, एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ऑल गैसेस, मतलब ये जो क्या है, जिसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। लेकिन जो इतने हम लोग नाइन टाइप्स पढ़े ना, नाइन काइंड ऑफ सॉल्यूशन पढ़े ना, फॉर क्लास 12 ना, हम लोग बस कंसिडर दो ही टाइप को करेंगे, हम लोगों को कंसिडर बस टू टाइप्स करना है, दैट इज़ द जहाँ पे हमारा एक जगह सॉलिड जो होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। और सेकेंड टाइप जो होगा उसमें हमारा सॉल्यूट जो होगा वो गैस होगा और हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। मतलब वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन दिस क्लास, क्लास 12। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो इसी पे बेस्ड होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में ना हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे और उसके पहले थोड़ा फैक्टर को देख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड बाय।